हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच योरसेल्फ। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन किए थे फर्स्ट और सेकेंड, तो उसी में हम लोग आगे करेंगे थर्ड और फोर्थ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 8.2 के ही, ठीक है, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन जो है थर्ड, कह रहा है कि इफ़ टैन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री एंड टैन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू टैन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ठीक है। आगे कह रहा है कि 0 डिग्री जो है ए प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है ए प्लस बी, ठीक है, और ए बी से बड़ा है, तो हमको फाइंड करना है ए और बी के वैल्यू, ठीक है। तो टैन ए प्लस बी इक्वल टू 3, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं टैन ए प्लस बी इक्वल टू टैन 60 डिग्री बराबर 3 होता है। अब यहाँ से टैन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा जो दिया हुआ है वो है टैन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ठीक है, इसको भी हम लोग सेम उसी तरह करेंगे। ये हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू टैन 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख दें ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके हमको निकालना है ए और बी के वैल्यू, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, दोनों इक्वेशन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है और ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ए इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर b उधर b बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से b करेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस 30 डिग्री, तो ये 45 माइनस 30 डिग्री यानी 50 डिग्री। ये ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों हमारा निकल गया। तीन नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फोर नंबर क्वेश्चन। फोर नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोर नंबर हमारा, इसमें हमारा ट्रू फॉल्स है, ठीक है। फोर नंबर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, कह रहे हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। चेक करना है कौन सही है और कौन गलत है, और गलत है तो उसका हमें बताना है कि गलत क्यों है और सही है तो क्यों है, ठीक है। फोर नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट वाला है जो है, फर्स्ट कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये चीज़ होगा कि नहीं, तो ये तो भाई फॉल्स है। अब वो क्यों है वो हम बताते हैं। मान लीजिए कि ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, 60 नहीं मान लीजिए 90 डिग्री है, इसमें से ये आपका 30 है और ये 60 है, ये हमारा हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। ये दोनों मिलाकर आपको साइन 90, मतलब कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा टोटल का, साइन ए प्लस बी 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखिएगा तो ये दो आपका देगा वो कितना देगा 1/2, और ये कितना देगा 3/2। इसको ज़रा कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा आपका 2 1+√3, तो ये 1 के बराबर नहीं हो रहा, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। सेकेंड वाला है, इसी में सेकेंड है, सेकेंड इसमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो थीटा अगर इंक्रीज करेगा तो साइन
थीटा जो होगा उसका वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा कि नहीं करेगा, तो इंक्रीज करेगा अगर साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, वेन यहाँ लिखते हैं वेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर थीटा को बढ़ा दिया जाए 90 डिग्री कर दिया जाए तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंक्रीज करेगा, तो ये चीज़ हमारा ट्रू है, सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, थर्ड सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा अगर बढ़ थीटा बढ़ेगा कि नहीं, थीटा अगर बढ़ेगा तो कॉस थीटा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, थीटा अगर बढ़ेगा तो अगर यहाँ पर देख लीजिए, अगर थीटा वेन वेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। वेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। इसका मतलब कि ये गलत है, ये फॉल्स। थीटा बढ़ेगा तो कॉस में वैल्यू क्या होगा, घटेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा के सही वैल्यू के लिए क्या ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हम लिख देते हैं पॉसिबल नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है तो साइन में वैल्यू क्या होगा, 0, कॉस में वैल्यू क्या होगा, 1, तो ये पॉसिबल नहीं है। देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है 0 डिग्री के लिए। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है ए ए बराबर 0 डिग्री तो कॉस थीटा देन कॉस ए वो नॉट डिफाइन, डिफाइन है, डिफाइन नॉट डिफाइन कह रहे हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री के लिए कॉट थीटा जो है नॉट डिफाइन है, तो ये चीज़ भाई ट्रू है, लिख दी पहले। अब देखिए कैसे, 0 डिग्री कॉट 0 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। ठीक है, यहाँ नॉट डिफाइन कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ आपस में बराबर ही होता है, ये दोनों सेम चीज़ है, नॉट डिफाइन नॉन इनडिफाइन डिफिनिट। ठीक है, तो ये चीज़ ट्रू। ये हो गया हमारा सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे इस वीडियो में। चलिए।